हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने गैलीलियन रूपांतरण स्टार्ट किया था। ये किस टाइप से आता है एग्ज़ाम में? एक तो आता है गैलीलियन रूपांतरण को समझाइए, जो बहुत बड़ा है, 8 टॉपिक है इसमें। दूसरा है आता है इसी में कि एक जड़त्व निर्देश तंत्र का दूसरे जड़त्व निर्देश तंत्र में संबंध या दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष संबंध स्थापित कीजिए। तीसरा फेमस क्वेश्चन होता है इसका, सिद्ध कीजिए कि नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र जड़त्व होता है। सिद्ध कीजिए कि नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र जड़त्व होता है। फिर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी, प्रूव करना स्टार्ट कर दिया था, और डेफिनेशन में से लिखवाया था कि यदि कोई निर्देश तंत्र स्थिर है स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कण की स्थिति ज्ञात हो। यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कण की स्थिति ज्ञात हो तो वह रूपांतरण समीकरण या वह रूपांतरण संबंध जिनकी सहायता से किसी अन्य जड़त्व निर्देश तंत्र में उस कण की स्थिति ज्ञात की जा सके या ज्ञात कर सकते हो, तो ऐसे समीकरणों को या ऐसे संबंध को हम गैलीलियन रूपांतरण समीकरण या गैलीलियन रूपांतरण संबंध कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था। और गैलीलियन रूपांतरण में आप तीन बातें ध्यान रखें। तीन बातें कौन कौन सी? एक घटना होगी, दो निर्देश तंत्र होंगे, एक निर्देश तंत्र तो स्थिर होगा। अब हम जानते हैं कि स्थिर निर्देश तंत्र जड़त्व होता है। स्थिर निर्देश तंत्र कैसा होता है? जड़त्व। फिर दूसरा आपको यह सिद्ध करना है कि एक और निर्देश तंत्र होगा जो नियत वेग से गतिशील होगा। एक और निर्देश तंत्र होगा जो नियत वेग से क्या होगा? गतिशील होगा। जो नियत वेग से गतिशील है उसी को हमें सिद्ध करना है कि वह नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र कैसा है? जड़त्व है। ठीक है, फिर आगे बढ़े तो इसमें एक घटना लेंगे। घटना मतलब एक कण लेंगे, पार्टिकल लेंगे, जिसका यह निर्देशांक होंगे, स्थिति सदिश होगा, वेग निकालेंगे, त्वरण निकालेंगे, बल संवेग संरक्षण का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम, दो बिंदुओं के मध्य का विस्थापन, यह सब हम इस गैलीलियन रूपांतरण में ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मैंने गैलीलियन रूपांतरण की आपको परिभाषा बता दी थी। तो स्टार्ट तो क्या कर रहे हैं हम? गैलीलियन रूपांतरण स्टार्ट तो क्या कर रहे हैं बच्चों? गैलीलियन रूपांतरण। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गैलीलियन रूपांतरण हम स्टार्ट कर रहे थे, इसकी परिभाषा लिखा दी थी। तो डायग्राम ध्यान से समझिए। मान लीजिए दो निर्देश तंत्र हैं। कितने निर्देश तंत्र हैं? दो, एक्स वाई जेड, इसका मूल बिंदु है ओ। ये कौन सा निर्देश तंत्र है? एस निर्देश तंत्र है। और दूसरा निर्देश तंत्र भी अभी t बराबर जीरो पर, समय कितना है? t बराबर जीरो, इसी पर है। उसकी x अक्ष है, वो भी इस x अक्ष के संपाती, y अक्ष है, वो भी इस y अक्ष के संपाती, और z अक्ष है, वो z अक्ष के संपाती, और मूल बिंदु भी क्या है? संपाती। कब की बात है? t बराबर जीरो की। ठीक है, यहाँ कोई कण था, रहने दो, t बराबर जीरो पर। अब हम क्या करेंगे? एक निर्देश तंत्र को तो स्थिर लेंगे, वह है स्थिर निर्देश तंत्र S, जिसका वेग क्या है? जीरो। और हम जानते हैं कोई निर्देश तंत्र स्थिर हो तो वह जड़त्व होता है। निर्देश तंत्र स्थिर हो तो कैसा होता है? जड़त्व। और हमें सिद्ध करना है कि जो गतिशील है, जो निर्देश तंत्र गतिशील है, वह कैसा होना चाहिए? अजड़त्व। तो हम बात करते हैं बच्चों टी बराबर जीरो पर। तो यह हो गया टी समय की बात करते हैं, टी समय पर। चलिए, टी समय पर क्या घटना हुई? ये एक निर्देश तंत्र तो जहां का जाइए, कौन सा वाला है सर? ये है एक्स वाई जेड, मूल बिंदु इसका ओ। ये कौन सा है? एस डैश, सॉरी, ये है अपना स्थिर निर्देश तंत्र। पूरा लिखता हूं मैं, स्थिर निर्देश तंत्र S।
फिर दूसरा निर्देश तंत्र कौन सा है अपने पास जो गतिशील था, वो दूसरा निर्देश तंत्र ये ले लिया मैंने बच्चों, एक्स डैश वाई डैश और ये जेड डैश, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये निर्देश तंत्र कौन है, ये है सर नियत वेग कैपिटल वी वेक्टर से गतिशील निर्देश तंत्र, यह है। अब कोई घटना लेते हैं, तो हमने यहां एक पार्टिकल लिया पी, या कोई बिंदु है जिसकी स्थिति सदिश भी अभी निकालते हैं, तो ये तो एस डैश निर्देश तंत्र है, इस एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश है बच्चों आर डैश वेक्टर, और इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश है आर वेक्टर, और एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष एस डैश निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश है बच्चों आर नॉट वेक्टर, कौन है आर नॉट वेक्टर, ठीक है। स्थिर निर्देश तंत्र एस, और कब की बात है, टी समय की बात है, टी समय पर ये नियत वेग से गतिशील हो रहा है उधर, कौन सा एस निर्देश तंत्र, सॉरी एस डैश निर्देश तंत्र, एस निर्देश तंत्र स्थिर है, स्थिर निर्देश तंत्र कौन सा है एस। अब टी समय पर ये निर्देश तंत्र यहां से चलकर यहां गया, मतलब बात यह है कि मैं और मेरा दोस्त यहां खड़े थे टी बराबर जीरो पर, हम किसी बिंदु को या किसी कण को या किसी द्रव्यमान को या किसी घटना के बारे में दोनों देख रहे हैं। अब वो टी वी वेग से नियत वेग वी से इस दिशा में चलना प्रारंभ किया, उसने इस दिशा में चलना प्रारंभ किया, कुछ समय पश्चात वहां चला गया, मान लीजिए उसका वेग है वी वेक्टर, टी समय पर वो कितनी दूरी चलेगा, तो आप जानते हो विस्थापन बटा समय होता है वेग, तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन बराबर वेग इंटू समय, तो टी समय पर उसकी दूरी कितनी हो जाएगी आर नॉट वेक्टर, जिसकी वैल्यू कितनी होती होगी बच्चों आर नॉट वेक्टर की वैल्यू होगी बच्चों कितनी होगी बच्चों आर नॉट वेक्टर की वैल्यू, इसकी वैल्यू मिलेगी आपको आर नॉट वेक्टर बराबर v वेक्टर इंटू टी, ये इसकी क्या हो गई वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाने के बाद हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें ऐसा लिखेंगे, माना s डैश निर्देश तंत्र, माना s डैश निर्देश तंत्र, s निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग v वेक्टर से गतिशील है, नियत वेग v वेक्टर से गतिशील है, तथा t बराबर जीरो पर दोनों निर्देश तंत्र एक दूसरे के संपाती है, t बराबर जीरो पर दोनों निर्देश तंत्र एक दूसरे पर संपाती है, एक दूसरे के लिए संपाती है, ठीक है। तथा t समय पर, तथा t समय पर s निर्देश तंत्र के सापेक्ष, s निर्देश तंत्र के सापेक्ष s डैश निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश, t समय पर s निर्देश तंत्र के सापेक्ष एस डैश निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश आर नॉट वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर इंटू टी है, आर नॉट वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर इंटू टी है, ये आपको लिखना है। हम बोल देते हैं एक बार फिर, माना एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष एस डैश निर्देश तंत्र नियत वेग वी वेक्टर से गतिशील है, तथा टी बराबर जीरो समय पर दोनों निर्देश तंत्र एक दूसरे के संपाती है, तथा टी समय पर एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष एस डैश निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश आर नॉट वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर टी है, इतना हो गया, ओके सर। अब इसमें पहला टॉपिक पढ़ते हैं हम स्थिति का रूपांतरण, क्या पढ़ेंगे बच्चों स्थिति का रूपांतरण, लेकिन पढ़ किस में रहे, गैलीलियन रूपांतरण में। सर गैलीलियन रूपांतरण है क्या, गैलीलियन रूपांतरण ये है कि एक निर्देश तंत्र तो नियत वेग से गतिशील होगा और एक निर्देश तंत्र स्थिर होगा, और हम किसी घटना के किसी कण के या किसी बिंदु के निर्देशांक, उसके वेग, उसके त्वरण, बल, संवेग, गतिज ऊर्जा संरक्षण, सॉरी टोटल ऊर्जा संरक्षण की बात करेंगे,
तो ये सब किस में कहलाएगा? गैलीलियन रूपांतरण। बस बात रखनी ये ध्यान में रखना है आपको कि एक निर्देश तंत्र तो नियत होगा, मतलब स्थिर होगा, और एक निर्देश तंत्र नियत वेग से गतिशील होगा, ये ध्यान रखना है। तो अभी तो एक चीज आई अपने पास, वो चीज क्या है? सर ये चीज नहीं है, समीकरण है, चीज तो कुछ और होता है। ओके, आर नॉट वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर इंटू टी, ये कहाँ से है? वेग बराबर होता है बच्चों विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन बराबर हो गया वेग इंटू समय। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ते हैं, इसमें ध्यान से देखिएगा स्थिति का रूपांतरण। स्थिति का क्या गया? रूपांतरण। प्यार से पढ़ते जाइएगा, जो भी दिक्कत हो आप बिल्कुल हमसे पूछिए, शेयर कीजिए आपकी प्रॉब्लम, पर वो फिजिक्स से संबंधित हो, आपकी घरेलू प्रॉब्लम से हमें कोई मतलब नहीं है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से भी नहीं है, हमें तो केवल फिजिक्स में कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल पूछिए। चलिए स्थिति का रूपांतरण पढ़ते हैं सर, लगाइए इसमें। एक पढ़ा होगा सदिशों का त्रिभुज योग नियम। सर होता क्या है, यदि दो सदिश त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को निरूपित करे, पहला सदिश ऐसे जा रहा है, दूसरा सदिश ऐसा जा रहा है, तो तीसरा सदिश आएगा जो विपरीत क्रम में होगा। क्रम तो ये हो गया, ये क्रम अब विपरीत क्रम में, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, लेकिन अंतिम सदिश ऐसे जाएगा, तो तीसरा सदिश जाएगा जिसका क्रम उल्टा होगा, वो बताएगा उन दोनों को योग को। तो सदिशों का त्रिभुज योग नियम क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दो क्रमागत सदिशों को निरूपित करे, तो तीसरी भुजा जो विपरीत क्रम में होगी वो उन दोनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करेगी। ओके सर, तो लगाइए सदिशों के त्रिभुज योग नियम से, सदिशों के त्रिभुज योग नियम से लगाइए सर, पहला सदिश तो ये रहा, दूसरा वो रहा, तीसरा विपरीत क्रम में, मतलब एक सदिश तो ऐसे हैं, एक सदिश ऐसे, एक ऐसे हैं, ये तो आर नॉट वेक्टर है, ये आर डैश वेक्टर है, और ये आर वेक्टर है। तो इसमें क्या बोलोगे आप, नाम क्या क्या है इसका, ओ डैश और ये पी, क्या बोलेंगे, ओ डैश प्लस ओ डैश पी वेक्टर और ये वेक्टर, और इधर आ गया बच्चों ओ पी वेक्टर। ओके चलिए नाम रखिए इसका, ये तो आर नॉट वेक्टर प्लस ये क्या है बच्चों आर डैश वेक्टर और ये क्या है आर वेक्टर। चलिए थोड़ा ध्यान से समझिए, ध्यान यही रखिए, आर डैश वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर, एक तो ये आ गया। ठीक है, लेकिन जब भी इसका कोई न्यूमेरिकल देता है तो हमेशा नियत वेग की बात करेगा, मतलब एक निर्देश तंत्र एस तो स्थिर है और एस डैश नियत वेग से गतिशील है, तो एस के सापेक्ष है किसका, एस डैश का वेग कितना, वी, पृथ्वी के सापेक्ष, चंद्रमा के सापेक्ष, किसी अन्य के सापेक्ष नहीं, किसके सापेक्ष, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष। चलिए तो हम यहां बात करें, चूंकि आर नॉट वेक्टर बराबर वी वेक्टर इंटू टी, तो यहां रखें हम आर डैश वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस वी वेक्टर और ये टी। समीकरण एक, इसके बारे में क्या लिखूं मैं, समीकरण एक कण की स्थिति का रूपांतरण समीकरण है, कण की स्थिति का रूपांतरण समीकरण है। चलिए बच्चों ये तो आ गया रूपांतरण समीकरण, समीकरण एक कण की स्थिति का रूपांतरण समीकरण। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ आर डैश वेक्टर आर वेक्टर, इसको देख लेना ये आ रहा है नहीं आ रहा, ये इधर, चलिए यहाँ आर डैश वेक्टर आर वेक्टर और ये आर नॉट वेक्टर,
ये क्या क्या है? सबसे पहले बात करते हैं इसकी। ये हैं बच्चों, क्या है ये? ये हैं एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष बिंदु पी या कण पी का स्थिति सदिश। फिर ये क्या है? एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष बिंदु पी या कण का स्थिति सदिश, बिंदु पी या कण का स्थिति सदिश। ये क्या है? ये है एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष एस निर्देश तंत्र का, सॉरी, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष एस डैश निर्देश तंत्र का टी समय पर स्थिति सदिश। वापस रिपीट करता हूँ सारी चीज़ें, फिर इसको मिटाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्या है? एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष एस डैश निर्देश तंत्र का टी समय पर स्थिति सदिश। फिर ये क्या है? ये है एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष बिंदु पी या कण पी का स्थिति सदिश। और ये क्या है? ये किसमें? एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष बिंदु पी का स्थिति सदिश या कण पी का स्थिति सदिश। चलिए इन सबको हम रफ कर देते हैं। आगे चलिए। अब मैं ऐसा मानूं, सुनना ध्यान से, माना एस निर्देश तंत्र में बिंदु पी के निर्देशांक, माना एस निर्देश तंत्र में बिंदु पी के निर्देशांक एक्स कोमा वाई कोमा जेड तथा एस डैश निर्देश तंत्र में बिंदु पी के निर्देशांक x डैश y डैश व z डैश है तथा s निर्देश तंत्र के सापेक्ष s डैश निर्देश तंत्र के वेग के घटक x y व z दिशा में क्रमशः vx vy व vz है। तो वापस एक बार फिर बोल रहा हूँ, माना s निर्देश तंत्र में या s निर्देश तंत्र के सापेक्ष बिंदु P के निर्देशांक x, y, z तथा s डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष बिंदु P के निर्देशांक x डैश, y डैश व z डैश तथा s निर्देश तंत्र के सापेक्ष s डैश निर्देश तंत्र के वेग के घटक x, y, व z दिशा में क्रमशः vx, vy व vz हो तो हम इनको कैसे लिखेंगे? इधर देखो, r डे r वेक्टर बराबर तो क्या आएगा बच्चों? मैं यहाँ पर पूरी थ्योरी लिख नहीं रहा हूँ, पूरी थ्योरी लिखने पर वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए यदि आपको नोट्स चाहिए तो हम PDF दे सकते हैं इसकी, बिल्कुल आप मैसेज कर दीजिएगा, PDF मिल जाएगी, ठीक है। और पूरी थ्योरी लिखनी हो तो हमारा एक ऐप चलता है ज्ञानम कंपटीशन क्लासेस, पूरा BSc के ऑल पार्ट चलते हैं उसमें, पूरा कोटा यूनिवर्सिटी, राजस्थान की कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो उस सभी का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है, ठीक है। तो वो वहाँ पर मिल जाएगा आपको यदि समझना है तो, लिखना है तो। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब आ जाइए इधर, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई केप वाई जे केप प्लस जेड के केप। आर डैश वेक्टर इक्वल टू क्या आया? एक्स डैश आई केप y डैश j केप z डैश k केप, और कौन सा बचा? v वेक्टर, लेकिन एक कैपिटल v, ये ध्यान रखना क्यों आगे भी v आएगा लेकिन वो स्मॉल आएगा,
वी एक्स आई केप वी वाई जे केप प्लस वी जेड के केप। इसको नाम दीजिए आप इक्वेशन नंबर टू। फिर यहाँ लिखे हम समीकरण एक में समीकरण दो से मान रखने पर। बिल्कुल सर, मान रखें तो क्या मिलेगा देखते जाओ। समीकरण थी हमारी आर डैश वेक्टर, तो ये था एक्स डैश आई केप वाई डैश जे केप जेड डैश सॉरी एक्स डैश आई केप वाई डैश जे केप और सर ये जेड डैश के केप इक्वल टू आर आया था अपना एक्स आई केप वाई जे केप प्लस जेड के केप माइनस फिर आया वी एक्स आई केप प्लस वी वाई जे केप प्लस वी जेड के केप इंटू था बच्चों टी। अब सदी इसको जिस प्रकार से हम जमाते हैं वैसे इसको जमाइए पूरा आई केप वाले को एक साथ, तो एक्स डैश आई केप वाई डैश जे केप जेड डैश के केप। यहाँ से उठाइए उसको x माइनस वी एक्स और ये t और सर ये आई के प्लस y माइनस वी वाई टी और ये चेक के प्लस z माइनस वी जेड और ये t और ये क्या के। चलिए इधर देखिए x माइनस वी एक्स टी आई केप, इसको इसके साथ लिख लिया आई केप वाले को, j वाले को लिख लिया k केप वाले को लिख लिया। अब आई केप को मा जे केप व के केप के गुणांकों की तुलना करने पर। अब इधर देखो x डैश किसके बराबर आया बच्चों, x माइनस वी एक्स इंटू टी। y डैश किसके बराबर आया, y माइनस वी वाई टी। z डैश किसके बराबर है, टेक्निकल टीम देख ली आ रहा है नहीं आ रहा बोर्ड पर, v z इंटू टी। ठीक है, ये जो समीकरण तीन आई है बच्चों, इसी को बोलते हैं स्थिति सदिश के, स्थिति सदिश के निर्देशांकों का रूपांतरण समीकरण। मैं लिख देता हूँ इस बात को यहीं पर, समीकरण तीन स्थिति सदिश, स्थिति सदिश के निर्देशांकों का स्थिति सदिश, समीकरण तीन स्थिति सदिश के निर्देशांकों का रूपांतरण, सॉरी कौन सा रूपांतरण है, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है। पक्का बच्चों? हाँ सर, ध्यान से देखिए और समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। प्रॉब्लम वैसे कुछ होगी नॉर्मल मैथमेटिकल है, इतना तो तुमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा फिर भी हम पूरा लिख रहे हैं समझा रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारा पहला हुआ कौन सा, स्थिति रूपांतरण समीकरण और स्थिति के निर्देशांकों का रूपांतरण समीकरण, ये दोनों हो गया। स्थिति सदिश के निर्देशांक x, y, z आता है यहाँ, अपने x डैश y डैश z डैश चलेगा। हाँ ये तो किस में है, s डैश में, ये किस में है, s में, और ये किसके सापेक्ष है, ये है s डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष, s निर्देश तंत्र के सापेक्ष s डैश निर्देश तंत्र का t समय पर जो स्थिति के निर्देशांक है वो मान है, s निर्देश तंत्र के सापेक्ष s डैश निर्देश तंत्र के t समय पर जो निर्देशांकों का जो निर्देशांक है वो है ये वी एक्स टी वी वाई टी और वी जेड टी। चलो बच्चों हम इसको रफ कर देते हैं पूरे को,
देखिए आगे दूसरा पॉइंट, वेग का रूपांतरण समीकरण। ठीक है, आगे बढ़िए बच्चों, बिल्कुल सर आगे बढ़ते। अपने पास स्थिति आ गई थी, स्थिति आ गई थी अपने पास। अब हम जानते हैं कि स्थिति सदिश का या विस्थापन का हम अवकलन कर दें एक बार समय के सापेक्ष, तो हमें वेग प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? वेग। तो देखिए बच्चों इधर देखते हैं, समीकरण एक आ चुकी थी, तो अब मैं लिखता हूँ समीकरण एक का टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, अवकलन करने पर। बिल्कुल सर अवकलन करें तो क्या मिलेगा? डी बाई डी टी, डेस है इसके, डी बाई डी टी आर वेक्टर माइनस वी वेक्टर और एक टी। लिखें इसको डी आर डेस वेक्टर बाई डी टी, डी आर वेक्टर बाई डी टी माइनस वी वेक्टर डी टी बाई डी टी। चूँकि वी वेक्टर इस कॉन्स्टेंट, जो कॉन्स्टेंट होता है उसको हम बाहर ले लेते हैं। ले लिया सर, ये बन जाएगा छोटा वी, लिखेंगे वी डेस वेक्टर वी वेक्टर और एक कैपिटल वी वेक्टर। इसको बोलूं मैं समीकरण चार, तीन तो आ चुकी, समीकरण चार वेग का, समीकरण चार वेग का गैलीलियन गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है। अब यहाँ कौन कौन सी चीज़ क्या है वो बात करें, तो v वेक्टर क्या है स्मॉल, v डेस वेक्टर क्या है वो भी बात करें, फिर बात करें v वेक्टर की, कैपिटल v वेक्टर की। तो देखिए थोड़ा, ये तो है वो जो कण p था, कण क्या था p, कण p का s निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग, या उल्टा बोल दूं मैं s निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण p का वेग, फिर एस डेस निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण पी का वेग। और सर ये वी वेक्टर तो पहले से चला आ रहा है सर, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष एस डेस निर्देश तंत्र का वेग है ये जो कांस्टेंट है, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष एस डेस निर्देश तंत्र का, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष एस डेस निर्देश तंत्र का वेग है ये। और सर ये है एस डेस निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण पी का वेग, और ये भी वही है एस निर्देश, ये तो एस डेस के सापेक्ष है और ये एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण पी का वेग। ये तो बात हुई सर इनकी, ठीक है ओके। अब इसी समीकरण को मैं आगे बढ़ाऊंगा, समीकरण चार को कैसे सर, वो ऐसे बढ़ाऊंगा बच्चों कि मैं मान रहा हूँ सर, क्या मान रहे हो कि एस निर्देश तंत्र में जो वेग है उसके घटक है वी एक्स कोमा वी वाई व वी जेड, तथा एस डेस निर्देश तंत्र में जो वेग के घटक हैं वह हैं वी एक्स डेस वी वाई डेस वी जेड डेस, तथा जो एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष एस डेस निर्देश तंत्र का वेग था वी वेक्टर, उसके घटक है वी एक्स वी वाई व वी जेड। ये चीजें लिखनी वापिस, माना एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण पी के वेग के घटक वी एक्स कोमा वी वाई व वी जेड, तथा एस डेस निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण पी के वेग के घटक वी एक्स कोमा डे वी एक्स कोमा वी वाई सॉरी वी एक्स डेस कोमा वी वाई डेस व वी जेड डेस, तथा एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष एस डेस निर्देश तंत्र के वेग के घटक वी एक्स कोमा वी वाई व वी जेड है। आगे देखिए, अब उन स्थिति सदिश को किस प्रकार से लिखें, इधर देखिए
आई केप वी वाई जे केप वी जेड के केप, और ये चलेगा डैश के रूप में, तो ये वी एक्स डैश आई केप वी वाई डैश जे केप वी जेड डैश के केप, ठीक है। हाँ चलिए आगे आगे बढ़े, फिर कौन सा था वी वेक्टर, कैपिटल वी वेक्टर, तो इसको तो वी एक्स आई केप लिखना है, वी वाई जे केप लिखना है, वी जेड के केप लिखना है। ये तो आई समीकरण पाँच, चार तक पहले पहुंच गए, समीकरण पाँच से समीकरण चार में मान रखने पर, मान रखोगे बच्चों तो क्या बनेगा ये, चलिए बनाइए। इधर तो क्या लिखोगे, वी एक्स आई केप वी वाई जे केप डैश एन के प्लस वी जे डैश के केप इक्वल टू वी एक्स आई केप वी वाई जे केप वी जेड के केप माइनस, क्या मिलेगा ये, वी एक्स आई केप वी वाई जे केप और वी जेड के केप, साथ साथ लीजिए इनको, वी एक्स डैश आई केप वी वाई डैश जे केप वी जेड डैश के केप बराबर वी एक्स माइनस वी एक्स आई केप वी वाई माइनस वी वाई जे केप वी जेड माइनस वी जेड और ये के केप। आ गए बच्चों, ओके आई केप जे केप व के केप के गुणांकों गुणांकों की तुलना करने पर, इनकी तुलना करोगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा v x डैश v x माइनस v x v y डैश v y माइनस v y v z डैश v z माइनस v z हका s, ये आ गए समीकरण छः। यहाँ क्या लिखोगे, समीकरण छः को वेग के घटकों का कौन सा गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहते हैं, एक बार देख लीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गैलीलियन रूपांतरण में समझ जाना है कि स्थिर निर्देश तंत्र है, एक नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र है, दोनों निर्देश तंत्रों पर दो व्यक्ति उसके मूल बिंदु पर बैठे हुए हैं, तीसरी किसी चीज़ को देख रहे हैं, जिस चीज़ को देख रहे हैं उसका वेग दोनों में निकालना है, उसका स्थिति सदिश दोनों में निकालना है, उसका त्वरण भी दोनों में निकालना है। अब उनमें कोई संबंध आएगा जो देखेगा तो एक और दूसरे से पता कर लेंगे हम, जैसे एस से तो देखकर पता कर लेंगे एस डैश में क्या स्थिति है, क्या वेग है, क्या त्वरण है, या फिर एस डैश में देखें और पता कर लें कि हम एस में उस कण का या उस घटना का या तीसरे व्यक्ति का एस डैश के एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या स्थिति सदिश, क्या वेग या क्या त्वरण है, ठीक है। आगे चलिए,
चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, लेके आते हैं समीकरण कौन सी, किसका रूपांतरण पढ़ते हैं अब, त्वरण का। थर्ड आता है त्वरण का रूपांतरण। देखो समीकरण चार का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या कहता है समीकरण चार, वो देखो d बाई डी टी या था v डेस वेक्टर प्लस इक्वल टू सॉरी डी बाई डी टी ये था वी डेस सॉरी वी वेक्टर माइनस कैपिटल वी वेक्टर, अलग अलग कीजिए इनको, ये तो ये बन जाएगा बाई डी टी डी वी वेक्टर स्मॉल वाला बाई डी टी माइनस डी वी वेक्टर बाई डी टी, चूँकि वी वेक्टर इक्वल टू नियत क्योंकि ये तो कांस्टेंट था तो ये तो क्या हो जाएगा जीरो, तो डी वी डेस वेक्टर बाय डी टी इक्वल टू डी वी वेक्टर बाय डी टी। ओके तो बन जाएगा ए डेस वेक्टर बाय ए वेक्टर, क्योंकि हम वेग का अवकलन करते हैं समय के सापेक्ष तो हमें मिलता है त्वरण। इसको नाम दीजिए समीकरण सात, हम बोलेंगे समीकरण सात त्वरण का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है कौन, समीकरण सात। ठीक है बच्चों, ओके सर आगे बढ़ते हैं, ये तो आ गए हम यहाँ तक त्वरण तक, पर हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र जड़त्व है, नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र क्या है, जड़त्व है। ठीक है ये सिद्ध करना है, तो आगे बढ़े समीकरण रूपांतरण समीकरण तथा त्वरण निश्चर है निसर का मतलब दोनों निर्देश तंत्रों से देखें तो कण P का त्वरण क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जब दोनों निर्देश तंत्र में कोई भी भौतिक राशि नियत हो तो उसको बोलेंगे वो भौतिक राशि निसर है, और इस गुण को हम निसरता बोलते हैं। तो क्वेश्चन भी एक गैलीलियन निसरता क्या कहलाता है, गैलीलियन निसरता क्या है, गैलीलियन रूपांतरण में वे भौतिक राशियां जो दोनों निर्देश तंत्र में समान उनकी वैल्यू समान प्राप्त हो रही हो तो हम उनको निसर राशियां बोलते हैं तथा उनके इस गुण को गैलीलियन निसरता बोलते हैं। निसर का मतलब जो एस देश में निर्देश तंत्र में है कण का त्वरण वही किसमें बच्चों, एस निर्देश तंत्र में। ठीक है चले इसी के बाद यहां लिख लेते हैं ए डेस वेक्टर क्या है और ए वेक्टर क्या है, ये तो है एस डेस निर्देश तंत्र में कण का त्वरण और एस ये है एस निर्देश तंत्र में कण का त्वरण, ये तो किसमें एस निर्देश तंत्र में कण का त्वरण और ये किसमें है एस डेस निर्देश तंत्र में कण का त्वरण ये वाला। ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अभी तो हमें जो क्वेश्चन था त्वरण तक रूपांतरण तो पढ़ लिया, अब ना क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए कि नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र कैसा होता है बच्चों, नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र जड़त्वीय होता है, कैसा होता है जड़त्वीय, तो इनको लिखिए आप फटाफट। चलिए
आगे देखिए, चूंकि एस निर्देश तंत्र स्थिर है तथा स्थिर निर्देश तंत्र जड़त्वीय होता है, तथा स्थिर निर्देश तंत्र कैसा होता है? जड़त्वीय। अतः स्थिर निर्देश तंत्र जड़त्व होता है, अतः को मारा गोली। फिर हम जानते हैं कि, क्या जानते हो? हम जानते हैं कि जड़त्वीय निर्देश, जड़त्व निर्देश तंत्र में कण का, तंत्र में जड़त्व निर्देश तंत्र में कण का त्वरण शून्य होता है, शून्य होता है। हम जानते हैं कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण का त्वरण शून्य होता है, अतः ए डेस इक्वल टू जीरो होगा। ज्ञान की बात देखो, चूंकि एस निर्देश तंत्र स्थिर है तथा स्थिर निर्देश तंत्र कैसा होता है? जड़त्व। फिर हम ये भी जानते हैं कि जड़त्व निर्देश तंत्र में कोई भी कण हो उसका त्वरण क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि जड़त्व निर्देश तंत्र की परिभाषा होती है कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल शून्य हो तो वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष वस्तु का त्वरण शून्य हो या वस्तु त्वरण रहित दिखाई दे उसे हम जड़त्व निर्देश तंत्र बोलते हैं। अतः आ गया इस मान को समीकरण 7 में रखने पर, किसमें रखे? समीकरण 7 में, तो ए डेस वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ओ माय गॉड, ए डेस भी 0 आ गया। जब ए डेस 0 आया तो इसका मतलब क्या है कि एस निर्देश तंत्र भी क्या है बच्चों? एस निर्देश तंत्र भी क्या है बच्चों? जड़त्व। इसको नाम देते हैं समीकरण 8। समीकरण 8 से स्पष्ट है कि एस डेस निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण का त्वरण सुनने हैं, अतः एस डेस निर्देश तंत्र जड़त्वीय होगा, अतः एस डेस निर्देश तंत्र जड़त्वीय होगा। समीकरण 8 से स्पष्ट है कि एस डेस निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण का त्वरण शून्य है, अतः एस डेस निर्देश तंत्र जड़त्वीय होगा। अब क्या लिखोगे? अगली लाइन से, अतः स्पष्ट है कि अगली लाइन से क्या लिखोगे? अतः स्पष्ट है कि नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र, अतः स्पष्ट है कि नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। कौन सा होता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। अतः स्पष्ट है कि नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र जड़त्वीय होता है। देखो एस डेस भी जड़त्वीय हो गया तो हम क्या स्पष्ट करना है? अतः स्पष्ट है कि नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र जड़त्वीय होता है। ठीक है दोस्तों, ये इस डेरिवेशन में हमने स्थिति रूपांतरण, वेग रूपांतरण, त्वरण रूपांतरण पढ़ लिया और इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ निकाला जो हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र जड़त्वे होता है। अब कुछ और भी इसकी भौतिक राशियों का हम रूपांतरण पढ़ते हैं। जैसे विस्थापन हुआ दो बिंदुओं के मध्य की दूरी हुई, बल हुआ किसी कण पर लगने वाला बल,
उसकी वैल्यू कितनी होती है, पहले निर्देश तंत्र में इतनी है, स्थिर में इतनी है तो नियत वेग से गतिशील में कितनी होगी, नियत वेग से गतिशील में इतनी है तो स्थिर में कितनी होगी। फिर हम समवेग संरक्षण का नियम भी लगाएंगे और ऊर्जा संरक्षण का नियम भी लगाएंगे और गति के नियम भी लगाएंगे, जो जड़त्व का नियम है, दूसरा नियम है कि यदि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन किया जाए तो उस पर वो आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम की भी बात करें, किसमें, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप इनको पढ़ते रहे, धन्यवाद।